सेपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के शहडोल उपमंडल के सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह दो मालगाड़ियों की टक्कर हो गई। घटना में मालगाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। इस हादसे के कारण रेल यातायात रोका गया। हादसे में मालगाड़ी के तीन डिब्बे पलट गए। आपको बता दें कि इस घटना में एक लोको पायलट की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा घायल है। घटना के बाद लोको शेड में भी आग लग गई थी। वहीं घायलों में एक लोको पायलट शामिल है और बाकी अन्य कर्मचारी भी घायल हैं। ये घटना सुबह करीब 7:15 पर हुई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस घटना के मुख्य कारण का फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। घटना की जाँच की जाएगी और ये जाँच के बाद ही बताया जा सकेगा कि इसका मुख्य कारण आखिर है क्या। अभी यातायात बाधित है जिस कारण कटनी और बिलासपुर की ओर से आने जाने वाली ट्रेन व मालगाड़ियों को रोका गया है। बचाव कार्य चल रहा है, जल्दी आवागमन भी चालू कर दिया जाएगा।